नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। लोकसभा 2019 के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होना है और परिणाम 23 मई को घोषित किया जाएगा। तो इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, क्या नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? जानते हैं देश की जनता से कि उनका क्या राय है, क्या लगता है कौन होंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। इस सिचुएशन को देखकर तो लगता है कि नरेंद्र मोदी होंगे, फिर से प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ऐसा मतलब मेजोरिटी लग रहा है उनका देख के। मोदी जी काम किए हैं 5 सालों में? काम तो कुछ नहीं किए हैं, युवा के लिए तो बिल्कुल नहीं काम किए हैं। तो फिर कैसे लग रहा है कि वो बनेंगे? जैसे सिचुएशन अभी जो इन्वायरमेंट बना हुआ है देश का, उस हिसाब से लग रहा है। अच्छा, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट है? जैसे कि बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, जैसे अभी अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ और बहुत सारे हो रही है इसके वजह से। ठीक है ठीक है, इन्वायरमेंट लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कौन होगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल? मुझे तो नरेंद्र मोदी ही लग रहे हैं, जिस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं फिलहाल। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो उसने पुलवामा अटैक का बदला लिया, इस कारण से ज्यादातर देश के समर्थक उन्हीं के पाले में जा रहे हैं। मुझे काम किए हैं मोदी, काम किए हैं 5 सालों में। सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जो पढ़ाई के मामले हैं, स्टूडेंट के मामले, वो तो एकदम नहीं है, जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। तो सर आदमी स्टूडेंट को छोड़ के बिजनेस नहीं कर सकता। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई, अपनी सारी चीज़ देख सकता है ना, पढ़ाई के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, वो पढ़ ही सकता है केवल। तो वो स्टूडेंट के मामले में कुछ नहीं है, युवा उनके साथ। खैर मैं भी अभी हाल फिलहाल 18+ हो गया हूँ, तो मेरा भी अपना वोट देने का टाइम आ गया। वोट देना है तो क्या राहुल गांधी भी विकल्प हो सकते हैं? राहुल गांधी हाँ, एक टाइम पे हो सकते हैं, जब उस टाइम मैं जान देने जाऊंगा तब देख सकता हूँ हो सकेंगे या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? हाँ, राहुल इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा जनता का मूड है, जिस तरफ जा रहे हैं वो, ऐसा ही कुछ लगता है। आप भी जनता हो, आपका क्या मूड? मेरा तो मूड है जो काम कर रहा है वही सही है। मोदी काम कर रहे हैं फिलहाल उस हिसाब से, तो अभी लग रहा है करेंट सिचुएशन इज दैट। ओनली फॉर टू मिनट्स। 23 मई को मतगणना होना है प्रधानमंत्री के लिए। कौन प्रधानमंत्री होंगे लोकसभा 2019 में? हमको मोदी। मोदी जी? मोदी जी काम किए हैं? हाँ, हमको पसंद है मोदी जी बहुत। क्या कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी कहीं से विकल्प नहीं दिख रहे हैं? नहीं, हमको तो मोदी है। मोदी मोदी जी ओनली फॉर मोदी जी, मोदी बस। आपको क्या लग रहा है कौन होगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। काम किए हैं मोदी जी? और कंपैरेटिवली वो ज्यादा काम किए हैं। कांग्रेस लेकिन आरोप लगा रही है कि मोदी जी कोई काम ही नहीं किए हैं। इधर तो ऐसे आरोप तो सब लगाते ही रहते हैं। काम किए हैं मोदी जी? क्या लगता है कौन होगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी होगा, इसलिए क्योंकि इस देश में बहुत तरक्की हुई है, रोडों का या बहुत कुछ का तरक्की बहुत ज्यादा हुई है, इस बार नरेंद्र मोदी ही होगी। तो 23 मई को मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उस घोषणा होगी? हाँ, ऑफकोर्स ऑफकोर्स 23 मई का ऑफकोर्स, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग उनके फेवर में है मोदी जी का, उन्होंने बहुत सारा, बहुत जगह, बहुत काम किए। आपको क्या लग रहा है कौन होगा, मोदी या राहुल? मोदी जी होंगे। मोदी जी काम किए हैं 5 सालों में? बहुत काम किए हैं उन्होंने। राहुल गांधी विकल्प नहीं है? अभी नहीं हो पाएंगे वो, उनको राहुल गांधी को बहुत सीखना चाहिए। अभी उनको कहीं भी भाषण देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो अच्छी तरह नहीं दे पाते हैं, अभी भी उनको सीखना चाहिए, अगले बार सोचा जाएगा। लेकिन इस बार जो है ना पीएम, वही नरेंद्र मोदी ही होंगे। लेकिन कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी को मैदान में उतार चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, वो उतार चुके हैं, कुछ होगा, लेकिन बट मोदी जो है ना, मोदी इस बार रहेंगे, मोदी रहेंगे इस बार। उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है कांग्रेस के तरफ से, तो क्या उसका फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को? हो सकता है, वो राहुल गांधी के अपेक्षा बहुत अच्छी हैं, हमको लगता है कि वो काम करेंगी, हो सकता है उनको कांग्रेस को बेनिफिट मिल सकता है प्रियंका गांधी के लिए। मोदी जी को वोट जो है जनता वो पुलवामा हमले के बाद बदला लेने की वजह से देगी या फिर उनके कामों को देगी? कामों की वजह से, क्योंकि वो 5 साल का उनके कामों को देखेंगी ना, ये तो सडनली हुआ है ना, अभी हुआ है, लेकिन लोगों का चॉइस तो मोदी जी है, ऑलवेज मोदी जी है। चुनाव का घोषणा हो चुका है तारीखों का, 23 मई को मतगणना होना है, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस बार फिर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या राहुल गांधी? ना जो है वही रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी। क्या लगता है मोदी जी काम किए हैं 5 सालों में? देश हित में अच्छा कर रहे हैं काम, जो आदमी कोई भी सरकार आएगा तो अपने कमाना अपने खाना है,
सरकार तो हमको खिलाएगी नहीं अपने कमा कर या अपने आमदनी से। तो कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं कि लूट लिए देश को मोदी। अब तो पार्टी पटोल के चीज है तो वो तो लगबे करेगा, हर कोई आदमी एक दूसरे को बोलता है कि हमको लूट रहा है, मगर हकीकत बात है जो सामने देख ही रहे हैं। देश हित के लिए अभी ठीक है, नरेंद्र मोदी जैसा अभी तो कोई है नहीं। राहुल गांधी विकल्प नहीं दिख रहे हैं, उनसे बेहतर नेता तो नहीं अभी भी उनके पूरे पार्टी में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। मतलब एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2019 मेरे ख्याल से। अब आगे तो और पार्टी लोग का देखिए क्या होता है। अरे हमारे जैसा तो बहुत वोटर है, मगर हम लोग का वोट तो उन्हीं का है। क्या लगता है भैया कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2019 में, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी बनेगा 2019 में प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी बनेंगे? बनेंगे भाई। क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से वो बनेंगे या फिर देश में काम किए? ना ना, देश में काम किए हैं, 5 साल में कुछ किए हैं, तो उसको मौका दिया जाएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। अंकल जी, चुनाव के तारीख का घोषणा हो गया है। हम बिहार से नहीं है, झारखंड से। झारखंड में भी चुनाव होना है अंकल? हाँ। जी 7 चरणों में चुनाव है। हाँ, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं। हाँ हाँ श्योर। राहुल गांधी बनेंगे या नरेंद्र मोदी? नहीं, ऐसे नहीं, जो काम वो किए हैं नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धि जो 4 साल 5 साल में हुए हैं, एक अभी तक किसी ने नहीं किया है। और अभी जितने भी प्रोग्राम उन्होंने किया है हर स्टेट में, उतना प्रोग्राम भी कोई नहीं दिया है पब्लिक के लिए। और पब्लिक अभी हम देहाती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैंने पब्लिक इंप्रेशन है उसमें। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी लूट लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी लोदी जी हैं जो बोल रहे हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं कर रहे। मोदी जी काम किया है, मोदी जी ठीक है, ठीक है। ओके, तारीख का घोषणा हो गया है, प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? क्या बोल रहे हैं, कौन बनेंगे मंत्री? मंत्री प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी जी? सर हमको तो लगता है कि राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी जी? सर मोदी जी काम नहीं किए? नहीं, काम नहीं किए, वो काम किए सिर्फ मतलब क्या, पब्लिक को ना हिंदू मुस्लिम का ये दे दिए, मतलब बहुत ज्यादा लोगों में एक अपनापन आ गया कि हम हिंदू है तो हिंदू को सपोर्ट करें, मतलब ये ऐसा कुछ हो गया माहौल। तो क्या कांग्रेस में अल्पसंख्यक का वोट जाता है और बीजेपी में हिंदुओं का? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा है कि उन्होंने ऐसा बना दिया ना प्रधानमंत्री कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा मतलब माइंड में ऐसा आ गया है कि मतलब अपना थोड़ा देखो ऐसा। आपको क्या लगता है कौन होने वाला है प्रधानमंत्री? हमें भी तो वही लगता है कि राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब तक तो? पहले तो इंटरेस्ट था लेकिन अब नहीं इंटरेस्ट लग रहा है, किसी को भी नहीं लग रहा है। क्यों? अब क्या हो गया, 5 साल जब बीत गए उसके बाद क्या हो गया? पहले तो लग रहा था कि अच्छे काम करेंगे, लेकिन ऐसा काम तो नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़ा के अलावा अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला है। राम मंदिर मुद्दा हो, राफेल हो, कोई भी मुद्दा हो, देख लीजिए आप। क्या क्या लग रहा है कि 2019 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? जी हाँ, हमको तो लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा ऐसा हो जा रहा है ना, कभी सीबीआई का तबादला रात में हो जाता है, कभी राफेल का फाइल चोरी हो जा रहा है, मतलब और मतलब बहुत बड़ा बड़ा घटना हो जा रहा है जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या लगता है अंकल जी कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? हम क्या बोले, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। तारीख का घोषणा हो गया है 2019 के लोकसभा का, 23 मई को मतगणना होना है। प्रधानमंत्री कौन हो रहे हैं इस बार, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी? हाँ जी सर। काम किए हैं मोदी? अच्छा काम किया है। क्या राहुल गांधी विकल्प नहीं है, कोई दूसरा? हम लोगों जैसा अच्छा काम किया है नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूरा तैयारी है सर, जो कुछ हो लेकिन हम लोग कौन, तो नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी भी बन सकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं, लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि 2019 की जो घोषणा की गई है उसमें फायदा किसे पहुंच रहा है, क्योंकि दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस अब, लेकिन नतीजे तो 23 मई के मतगणना के बाद ही सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राज तिलक के साथ अपने रंजन, हेडलाइंस बिहार।